morning, ladies and gentlemen. We welcome you to the graduation ceremony. Tension मत लो, वो आता ही होगा. सेरेमनी का टाइम हो गया है और वो अब तक नहीं आया. No response. करना छोड़ दे तो छोड़ दूंगा, लोगों को गन दिखाकर लूटना छोड़ दे तो छोड़ दूंगा। मॉल में गन तो तेरे हाथ में थी मगर बुलेट तेरे पीछे खड़ी थी। अब तेरे पास दो ऑप्शन है, या तुझे मार दूं या छोड़ दूं। बता। Don't leave me, please leave me. मैं हूँ राज, जो करता है अपनी जिंदगी पर राज। आज मेरे भैया भाभी का सपना पूरा हो गया, मैं ग्रेजुएट जो हो गया। अपनों के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। Come here, Peter.
तूने इसे गुस्से में मारा। गुस्से पर काबू कर, गुस्सा तेरी कमजोरी है और मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं है। डोंट वरी, जो हुआ सो हुआ। मुझे ये बता कि तूने बचपन में मैथ्स तो पढ़ा ही होगा। इस लड़की की उम्र क्या होगी? 16 years, दिन के 10,000 के हिसाब से हफ्ते के 70,000, 30 साल की उम्र तक हम कमाएंगे तकरीबन 4,80,00,000। इसे कितने में खरीदा था? मैं भी 1 crore। इसको लगी चोट की वजह से हमें सिर्फ 20 lakh ही मिलेंगे, पर अगर ये चिड़िया उड़ जाती तो 20 lakh भी फुर हो जाते। वेरी गुड। आर यू मैरिड? यस सर, दो बच्चे भी हैं। तेरे बच्चे तो खैरियत से है ना? मुझे ये बताइए, नुकसान कौन भरेगा? पीटर, तुझे पता है मेरी टांग कैसे टूटी थी? मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। जब मैं बच्चा था, मेरा बाप दारू पीकर मेरी माँ को पीटता था। पिटाई से तंग आकर माँ घर से भाग गई तो मेरे बाप ने मुझे मारना शुरू किया। मैंने भी भागने की कोशिश की, और मैं कहीं भाग ना जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मेरी टांग तोड़ दी। जानता है फिर मैंने क्या किया? अपने बाप को ही लुढ़का दिया। सही किया ना मैंने? मैं एक और लड़की का बंदोबस्त कर दूंगा। ये हुई ना धंधे वाली बात। लड़कियां तो आसानी से मिल जाती, लेकिन तुझ जैसे वफादार कहीं नहीं मिलती। अगर अपने बाप से डर कर दोबारा भागता तो दूसरी टांग भी कमा देता। कुत्ता कितना भी वफादार क्यों ना हो, काटने पर उसे सजा देनी ही चाहिए। भैया, कैली कोलंबिया का माफिया डॉन है। एक छोटी सी बात पर उसने वहां के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया। ऐसे खतरनाक आदमी के साथ बिजनेस करना ठीक रहेगा क्या? छोटे दूसरे को ओवर एस्टिमेट करने के चक्कर में अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। टाइम जब मैं किसी से बिजनेस डील करता हूं तो मैं उससे खुद मिलता हूं। अगर मैंने डीलर से हाथ मिलाया तो समझो मैं बिजनेस करूंगा, और अगर मैंने हाथ नहीं मिलाया तो सामने वाला किसी से हाथ मिलाने लायक नहीं बचता। मैं भरोसे के लोगों के साथ ही बिजनेस करता हूं, मेरा भरोसा मत तोड़ना। तुम्हें मुझ पर भरोसा हो या ना हो, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं। मैं एक लौता सप्लायर हूं। आई हैव गर्ल्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज, सारी की सारी A1 है। 100 crores, 100 girls, 50 crores एडवांस, फाइनल, नो बार्गेन। इस बिजनेस में मैं भी पुराना खिलाड़ी हूं, लेकिन मैं कभी बार्गेनिंग नहीं करता। मैं तुम्हें एक लड़की की कीमत पूरे 2 crore दूंगा। चार्ली, माय ब्रदर, ये सारी डील देखेगा। हम एक लड़की के बदले में तुम्हें 2 crore देंगे, लेकिन हमें किसी किस्म का नुकसान पसंद नहीं। नुकसान नाम का शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं। हाय भैया। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आजकल तुम्हारी सुबह रात को ही होती है? भाभी, अच्छी खुशबू आ रही है। बिरयानी बनाई है। वाओ, आज कुछ स्पेशल है क्या? तुम्हारा ग्रेजुएशन पास करना कोई कम खुशी की बात है क्या?
हम दोनों तो इस दिन का कब से वेट कर रहे थे। क्यों शर्मिंदा कर रही हो भाभी, 4 साल लग गए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। हाँ तो क्या हो गया, कम से कम तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट तो किया और इस बात के लिए पार्टी तो बनती है। पहले यहाँ आइए। कहाँ आइए ना, क्या कर रहा है भैया, आप ही आइए। कहाँ ले जा रहे हो, कितने सवाल करती हैं, यहाँ बैठ जाइए। सरप्राइज। थैंक यू, इट्स सो प्रिटी, है ना राजी। देख रहे हो राज? भैया मुझे जहाज पर जाना है। तुम्हें उस जहाज पर क्यों जाना है? मैं जब भी मम्मी पापा के बारे में पूछता हूँ आप कहते हो वो वहाँ रहते हैं, चलो उनसे मिलते हैं। तुम मेहनत करके खूब पढ़ाई करो, एक दिन इंजीनियर बनना और एक बड़ा जहाज बनाना, उसमें हम मम्मी पापा को मिलने जाएंगे। इंजीनियर? पर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है भैया। तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। जब भी मैं मम्मी पापा से मिलने की बात करता भैया जहाज बनाने के लिए कहते, लेकिन मेरे असली माँ बाप तो आप दोनों ही हैं भाभी। तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते, इंडिया वापस मत जाओ प्लीज। भाभी मैंने कहा था ना ग्रेजुएशन के बाद इंडिया चला जाऊंगा, प्लीज मुझे मत रोकिए। सॉरी आप रोइए मत, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। रहने दो, दोनों ऑप्शन तुम्हारे ही फेवर के होंगे। सिंपल है भाभी, आप भी मेरे साथ इंडिया चलिए, भैया हम दोनों के बिना रह नहीं पाएंगे और अपनी जॉब छोड़कर पहली फ्लाइट से इंडिया आ जाएंगे। अगर मैंने जॉब छोड़ी तो वो जान ले लेंगे मेरी। क्या भैया कोई ऐसा झोल करो कि वो खुद ही निकाल दें। पैक कर दीजिए। कब तक शॉपिंग करोगी भाभी? जब तक शॉप बंद नहीं हो जाती। वो दिखाई। Hello? What? Sir, you're not supposed to be here, sir. मुझे skating सीखनी है. Please speak in English, sir. I want to learn how to skate. How do I go about it? You have to leave now. This girl, is she an instructor or is she a student? Hey, साले खजूर तेरे चक्कर में लड़की चली गई. Where is she? You need to contact our office. Who's your boss?